हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जय हिंद दोस्तों। चलो खोलते हैं सैटेलाइट के अंजड़ पंजड़ और जानते हैं किन चीजों को जोड़ तोड़ कर इसको बनाया गया है। ये जो मटका सा आप देख रहे हो ये है प्रोपेलेंट टैंक। मान लो आपकी सैटेलाइट थोड़ा इधर उधर भटक ली तो अपने मोदी जी तो पूछेंगे, भैया करोड़ों डॉलर खर्च करके तुमने सैटेलाइट टहलाने भेजी है क्या? तो ऐसी स्थिति ना आए इसलिए सैटेलाइट को उसके रास्ते पर वापस लाने के लिए थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन थ्रस्टर्स को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए यानी जो ईंधन चाहिए वो मिलता है इस प्रोपेलेंट टैंक से। मान लो कोई सैटेलाइट आपके सैटेलाइट के रास्ते में आ रही है यानी टकराव होना पक्का है तो ऐसी स्थिति में भी इन्हीं थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके उसका रास्ता बदला जाता है और सैटेलाइट गुजरने के बाद इसको अपने रास्ते पर ले आया जाता है। और ये टैंक बना है टाइटेनियम का। चलो एक परिस्थिति और इमेजिन करो, मान लो प्रोपेलेंट टैंक में सारा फ्यूल खत्म हो गया, तब क्या होगा? अब हमारे साइंटिस्ट करोड़ों डॉलर खर्च करके ऐसी गलती तो नहीं करेंगे कि दिशा बदलने के लिए पूरी तरह से एक ही चीज पर निर्भर रहे। तो इसके लिए जो उन्होंने इलाज किया वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो में आगे। देखिए स्पेस बड़ी खतरनाक जगह है। आपने सैटेलाइट छोड़ तो दिया और उसे अपने रास्ते पर भी ले आए, पर क्योंकि स्पेस में हवा नहीं है और सैटेलाइट अगर गोल गोल घूमना शुरू कर दे यानी आपने उसे भेजा है धरती की फोटो खींचने और वो अपना फोटो खींच रहा है इधर उधर, तो आपके तो करोड़ों डॉलर चले गए ना पानी में। तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए उसमें एक डब्बे के अंदर 3 फ्लाई व्हील को लगाया जाता है जिन्हें घुमाकर जरूरी टॉर्क प्रोड्यूस करके सैटेलाइट को सही एंगल पर रखा जाता है। इसके अंदर लगे 3 फ्लाई व्हील जरूरत के हिसाब से घुमाए जाते हैं और ये घूमते हुए सैटेलाइट को 3 डायमेंशनल स्पेस में सही एंगल पर बनाकर रखते हैं ताकि जिसकी फोटो खींचने के लिए आपने इसको भेजा है ये बस वही काम करे। अब बात करते हैं सोलर अरे की। ये है बड़ी बड़ी सोलर प्लेट जो बनाती है सूरज की रोशनी से बिजली और इस बिजली का इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग कूलिंग और इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन के लिए। अगर आपका प्रोपेलेंट टैंक का फ्यूल खत्म हो गया तो ऐसी स्थिति में ही सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को उसके रास्ते पर रखा जाता है। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, घूमता हुआ सैटेलाइट हर समय सूरज से रोशनी कैसे प्राप्त करेगा? तो इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है गिम्बल्स को जो हर समय सोलर सेल्स को सूरज की तरफ बनाकर रखते हैं। क्या एक सैटेलाइट बिना सोलर एनर्जी के भी काम कर सकती है? सैटेलाइट में बैटरीज भी होती हैं जिन्हें सोलर एरे की मदद से चार्ज किया जाता है और सूरज की रोशनी की अवेलेबिलिटी ना होने की स्थिति में इन्हीं बैटरी की मदद से सैटेलाइट के वाइटल फंक्शंस को किया जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाली सैटेलाइट में लगाई जाने वाली बैटरी की उम्र लगभग 8 से 10 साल होती है। तो उसके बाद क्या होगा? एक नया सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे और बढ़ा देंगे स्पेस का कूड़ा जिसे इंग्लिश में डिबरी कहते हैं। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से एक सैटेलाइट की उम्र 5 से 15 साल के बीच में ही होती है। अब आता है TTC एंटीना। इस एंटीने की फुल फॉर्म है टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड और इसी की मदद से ग्राउंड स्टेशन और सैटेलाइट के बीच में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा था स्पेस बड़ी खतरनाक जगह है। मान लो इस एंटीने में कोई खराबी आ जाए तो ऐसी स्थिति में गया पैसा, लग गई लंका बुरी वाली। पर साइंटिस्ट हम लोगों से तो ज्यादा ही समझदार है तो उन्होंने एक और एंटीना इसमें फिट किया है जिसे कहा जाता है हाई स्पीड गेन एंटीना। वैसे तो इस एंटीने का मेन काम सैटेलाइट के द्वारा ऑब्जर्वेशन को अर्थ पर भेजना होता है लेकिन इसकी मदद से सैटेलाइट को कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब ये हुई ना बात, अब जरा इतिहास भी जान लो। दिन था 4 अक्टूबर 1957 का। सोवियत यूनियन ने धरती की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर दी जिसका नाम था स्पुतनिक 1 और ये लॉन्च अमेरिकन के लिए किसी सदमे से कम नहीं था क्योंकि वो भी इसी तरह के एक स्पेस प्रोग्राम पे काम कर रहे थे। अपने नागरिकों और वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए तब के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक ऐतिहासिक भाषण दिया और कहा अमेरिका दुनिया का पहला देश बनेगा जो कि स्पेस में मनुष्यों को भेजकर वापस सुरक्षित लेकर आएगा और उन्होंने ये कर भी दिखाया और दुनिया में शुरू हो गई स्पेस रेस। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उनकी पूरी स्पीच सुन सकते हैं। आइए जानते हैं सैटेलाइट लॉन्च से जुड़े हुए विज्ञान के सिद्धांतों के बारे में। ये काम तो आपने बचपन में जरूर किया होगा, जब तक ये गेंद एक निश्चित रफ्तार पे घूमती रहेगी तब तक रस्सी को खींचते हुए ये अपनी ट्रेजेक्ट्री में बनी रहेगी और जितनी तेज इसकी रफ्तार बढ़ेगी उतना ही रस्सी पे दबाव बढ़ता जाएगा। धरती के सैटेलाइट धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली एक फ्रीली मूविंग बॉडी होती है जिसे बाहर उसकी रफ्तार और अंदर एक इमेजिनरी रस्सी अपनी जगह पर बनाए रखती है जिसे आप ग्रेविटेशनल पुल भी कह सकते हैं। जितना ज्यादा सैटेलाइट धरती के पास होगा उतनी ही तेज रफ्तार से उसको घूमना पड़ेगा ताकि वो अपनी ट्रेजेक्ट्री मेंटेन कर सके क्योंकि रफ्तार धीरे होने पर वो धरती की सतह से जा टकराएगा जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं।
घूमती हुई गेंद की रफ्तार कम करने पर वो नीचे आ गिरी। चलो एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। मान लो धरती की सतह पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, इतना ऊंचा जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बाहर जा रहा है। अब इस पर लगाते हैं एक बंदूक, जैसे ही इससे गोली फायर की जाएगी ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस गोली पर कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, यानी उसकी रफ्तार नहीं घट रही, लेकिन फिर भी ग्रेविटी ने उसको खींच लिया। चलो मान लेते हैं हमने गोली में बारूद थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यानी कि अब वो थोड़ा और दूर जाएगी, लेकिन अभी भी उसे ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेगी। पर मान लेते हैं हमने गोली के अंदर इतना बारूद लगाया जिससे इतनी रफ्तार उत्पन्न हुई कि वो गोली धरती का चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस उसी पॉइंट पर आ टकराई। और क्योंकि हम एयर फ्रिक्शन से ऊपर हैं, तो गोली की रफ्तार में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ से आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि धरती के चारों तरफ घूमते हुए सैटेलाइट की रफ्तार क्यों नहीं बदलती। पर मान लेते हैं हमें एक परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट नहीं चाहिए, तो आप गोली में और गन पाउडर लगाकर अगर उसे फायर करेंगे जो उसकी रफ्तार को बढ़ा देगा, तो वो थोड़ा लंबा चक्कर लगाकर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और इस तरह से मिलेगा हमारी सैटेलाइट को एक इलिप्टिकल रास्ता। और यदि अगर हम गन का एंगल थोड़ा ऊपर कर दें तो हमें हॉरिजॉन्टल इलिप्टिकल पाथ मिलेगा, यानी अपनी जरूरत के हिसाब से धरती के चारों तरफ एक सैटेलाइट का पाथ बनाया जा सकता है। बस अब एक गन की जगह पर रॉकेट का प्रयोग करेंगे। और क्योंकि हमारी धरती पर ऐसे पहाड़ नहीं है जो एटमॉस्फेयर से बाहर जा रहे हैं, तो सैटेलाइट को एटमॉस्फेयर से बाहर लेके जाने का काम करेगा हमारा रॉकेट। और अगर आपको रॉकेट इंजन के बारे में जानकारी चाहिए तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। आइए जानते हैं स्पेस में सैटेलाइट कैसे लॉन्च किया जाता है। पहली स्टेज के रॉकेट के अलग होने के बाद सेकंड स्टेज का रॉकेट थिनर एटमॉस्फेयर में रफ्तार को बढ़ा देता है और इसी स्टेज में रॉकेट को करेक्ट पाथ पर लाया जाता है। उसके बाद रॉकेट की नोज कैप को रिलीज कर दिया जाता है, जो कि सैटेलाइट के डेलिकेट कंपोनेंट्स को एयर फ्रिक्शन से पैदा होने वाली जबरदस्त हीट से बचाती है। ठीक नोज कैप के नीचे लगी एक मोटर सैटेलाइट को अब घुमाना शुरू करती है, जो सैटेलाइट को एक स्थिरता देता है। स्थिरता पाने के बाद फाइनल स्टेज का रॉकेट धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए सैटेलाइट को जरूरी रफ्तार देता है। इसके बाद रॉकेट से सैटेलाइट अलग हो जाती है। अपनी ऑर्बिट में बरकरार रहने के लिए एक सैटेलाइट को कितना ऊंचा जाना चाहिए? अगर हम 150 मील की ऊंचाई पर सैटेलाइट को घुमाएं, तो धरती की ग्रेविटी कुछ ही हफ्तों में सैटेलाइट को अंदर खींच लेगी, और अगर उसे 500 मील की ऊंचाई पर छोड़ दिया जाए तो वो कई सौ सालों तक चक्कर लगा सकता है। शुरुआती प्रयोग से वैज्ञानिकों को ये समझ आ गया कि उनकी कैलकुलेशन में सैटेलाइट की जो हाइट उन्होंने सोची थी, असलियत में उससे थोड़ा ऊंचा ही सैटेलाइट को छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर की एयर डेंसिटी एक समान नहीं होती और एक सैटेलाइट को धरती के चारों तरफ कितनी तेजी से घूमना चाहिए ये निर्भर करेगा धरती से उसकी दूरी पर। हमारी धरती का नेचुरल सैटेलाइट मून काफी दूर होने की वजह से आराम से धरती का चक्कर लगाता है, लेकिन धरती के पास होने की वजह से सैटेलाइट को तेजी से धरती का चक्कर लगाना होगा ताकि वो अपने ऑर्बिट में बनी रहे, नहीं तो वो अटकराएगी। उदाहरण के लिए 25,000 मील की दूरी पर सैटेलाइट की रफ्तार 7500 मील प्रति घंटा होनी चाहिए और ऐसी स्थिति में ये सैटेलाइट धरती का एक दिन में एक चक्कर लगा लेगी। अब जानते हैं सैटेलाइट की घड़ी के बारे में। हाँ, सैटेलाइट में घड़ियां भी होती हैं, वो भी पूरी चार, और ये कोई साधारण घड़ियां नहीं है, ये है एटॉमिक क्लॉक। पर हमने साधारण घड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इसे समझाता हूँ एक उदाहरण से। मान लो एक सैटेलाइट 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का चक्कर लगा रही है, तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर सैटेलाइट के अंदर लगाई गई नॉर्मल घड़ी धीरे चलेगी। कितना धीरे? एक दिन में एक सेकंड के 7वें मिलियन हिस्से तक वो धीरे हो जाएगी। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क अभी दिखाता हूँ। फर्क ये, जो आप अपने फोन में GPS इस्तेमाल करते हो, ये चलता है सैटेलाइट की मदद से। अगर सैटेलाइट में लगी हुई घड़ी एक सेकंड के 1,000,000वें हिस्से तक भी धीमी हुई, तो धरती पर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन से आपको लगभग 100 किलोमीटर दूर दिखाएगा। सैटेलाइट में लगी हुई घड़ी के धीमे होने पर धरती पे ही नहीं बल्कि स्पेस में घूमती हुई सैटेलाइट पर भी बहुत असर पड़ता है। अब सुनना ध्यान से, सबसे जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। हमारे पास स्पेस का कोई मैप नहीं है, तो हम अपने सैटेलाइट का कैसे पता लगाएं कि वो सही दिशा में जा रही है? और इस काम में भी एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। एक उदाहरण से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो आपके पड़ोस की दुकान से आपको सामान लाने में 5 मिनट लगती हैं और आपको अपने चलने की रफ्तार भी पता है, तो इस रफ्तार और समय को मल्टीप्लाई करके आप दुकान की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक इसी चीज का इस्तेमाल सैटेलाइट को उसकी सही लोकेशन पे भेजने के लिए किया जाता है। सैटेलाइट को एक सिग्नल भेजकर उसे रिसीव करके हम सैटेलाइट की रफ्तार का पता लगाते हैं। रफ्तार पता लगने के बाद दूरी के लिए हमें चाहिए टाइम, और ये टाइम
एररलेस होना चाहिए और सबसे ज्यादा एक्यूरेट टाइम एक एटॉमिक क्लॉक ही बता सकती है और इसी के आधार पर सैटेलाइट की ट्रेजेक्ट्री को डिसाइड किया जाता है। मैं जानता हूँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, शुरू शुरू में मेरे लिए भी था। स्पेस साइंस है ही कंफ्यूजिंग, पर अगर एक बार समझ आ जाए तो बस मौजा ही मौजा। क्या सैटेलाइट को गोल्ड फॉयल से कवर किया जाता है? कमाल है, ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये सोना नहीं है, ये है MLI यानी मल्टी लेयर इंसुलेशन, जो बना है एक पॉलीमर से। इसकी थिकनेस और इसका कंपोजिशन इस बात पर निर्भर करेगा कि एक सैटेलाइट को कितनी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। देखो, स्पेस में एक सैटेलाइट को -200 फ़ारेनहाइट से लेकर 300 फ़ारेनहाइट के बदलते हुए तापमान में रहना पड़ेगा, तो सैटेलाइट के डेलिकेट कंपोनेंट को इतनी गर्मी और ठंड से बचाने के लिए कोई ना कोई प्रोटेक्शन तो देनी ही पड़ेगी और इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है MLI का। यहाँ मैं एक और चीज ऐड कर दूं, सैटेलाइट में कुछ कंपोनेंट को बनाने के लिए सोने का इस्तेमाल भी किया जाता है। और इसका फायदा क्या है? सोने से बनाने के कारण सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज इन कंपोनेंट्स में कोरोजन को नहीं कर पाएंगी और ये पूरी जानकारी आपको नेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट डाटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विस की वेबसाइट से दे रहा हूं। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो जाकर पढ़ लेना। एक GPS कैसे काम करता है? GPS से किसी की लोकेशन को पता लगाने के लिए 4 सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली सैटेलाइट आपके फोन के टाइम को ठीक करेगी और बाकी की 3 सैटेलाइट अपने चारों तरफ घेरा बनाकर एक कॉमन पॉइंट निकालेंगी और यही होगी आपकी सही लोकेशन। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताना बहुत जरूरी है, वो है ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। जब एक सैटेलाइट अपनी उम्र पूरी कर लेती है तब इंजीनियर्स के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो उस सैटेलाइट को धरती की तरफ आने दें ताकि वो एटमॉस्फेयर में बर्न होकर खत्म हो जाए, या फिर उसे हायर एल्टीट्यूड पर धक्का दे दिया जाए और इसी को ग्रेवयार्ड ऑर्बिट कहा जाता है। अब बताता हूँ कि सैटेलाइट को वापस धरती की तरफ कैसे खींचा जाता है। साइंटिस्ट अपने कंट्रोल स्टेशन से सैटेलाइट की घूमने की रफ्तार को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से सैटेलाइट धीरे धीरे अर्थ की तरफ आना शुरू कर देती है और एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो जाती है, और इसका उल्टा करने पर सैटेलाइट ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में चली जाती है, यानी उनके घूमने की रफ्तार को बढ़ाकर सैटेलाइट को बाहर की तरफ धक्का दे दिया जाता है। यानी स्पेस का कूड़ा आने वाले समय में बढ़ने ही वाला है। स्पेस में टोटल कितनी सैटेलाइट घूम रही है? लेटेस्ट डाटा के हिसाब से 4852 सैटेलाइट इस टाइम एक्टिवली स्पेस में काम कर रही है। मैं उन सैटेलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ जो इस समय यूज में नहीं है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सैटेलाइट में से लगभग 2944 सैटेलाइट सिर्फ अमेरिका की हैं, चाइना की 499 और रशिया की 169 सैटेलाइट स्पेस में घूम रही हैं, और बची हुई दुनिया की मात्र 1240 सैटेलाइट धरती का चक्कर लगा रही हैं। मान लेते हैं किसी कबाड़ सैटेलाइट का कोई टुकड़ा किसी के घर पर आकर गिर जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये डिपेंड करेगा कि सैटेलाइट का टुकड़ा कितना बड़ा था। अरे मजाक कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले ये पता लगाया जाएगा कि वो सैटेलाइट का टुकड़ा किस देश की सैटेलाइट को बिलोंग करता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं चाइना की सैटेलाइट का कोई टुकड़ा हमारे देश के किसी घर पे आके गिर जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार सीधे चाइना से इस घटना के लिए हर्जाना मांग सकती है और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग चाइना को हर्जाना देना भी पड़ेगा। और भैया, अगर हमारी ही अपनी सैटेलाइट का कोई टुकड़ा हमारे घरों पर गिरता है तो भी बिना पैसे लिए तो हम नहीं छोड़ने वाले। अगर 2 देशों की सैटेलाइट आपस में टकरा जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब यहाँ काम नहीं चलेगा एक दूसरे पे दोष देने से। ऐसी स्थिति में आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और जो भी उसका फैसला आए फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई होगी। अगर एक सैटेलाइट का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में उससे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो स्पेस में थोड़ा सा कूड़ा और सही। चलो एक कॉन्सेप्ट और जान लो, कार्मन लाइन क्या चीज है। कार्मन लाइन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की वो बाउंड्री है जिसके बाहर आउटर स्पेस समझा जाता है। सैटेलाइट को सोलर फ्लेयर से कैसे बचाया जाता है? देखो, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एल्यूमिनियम शील्डिंग का। 2.5 mm मोटी परत की एल्यूमिनियम शील्डिंग सैटेलाइट को सोलर फ्लेयर से आसानी से बचा सकती है। एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए किस वेव का इस्तेमाल किया जाता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है, और इस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल की जाने वाली फ्रीक्वेंसी 1 GHz से लेके 50 GHz के बीच में होती है। क्या स्पेस में फैले हुए कूड़े को साफ किया जा सकता है? देखो, अभी तक हमें इसमें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन बहुत सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है। हो सकता है भविष्य में हम स्पेस के कूड़े को साफ कर पाए। उनमें से 2 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला है जायंट लेजर्स, जिन्हें हम अर्थ की सरफेस से फायर करके लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ते हुए स्पेस के कूड़े को जला देंगे।
करेंगे। दूसरा है ऐसी मशीनों को स्पेस में भेजना जो कि स्पेस में घूमते हुए कूड़े को इकट्ठा करके अर्थ की तरफ धकेल दे, जो कि एटमॉस्फेयर में एयर फ्रिक्शन के कारण जल जाएगा। बहुत सारी कंपनीज इसको भविष्य की मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के रूप में देखती हैं। अब बात करते हैं इसरो की। भारत के इसरो ने भी स्पेस टूरिज्म में अपना कदम रख दिया है, जिसकी शुरुआत 10 जून 2022 को कर दी। इसरो की एक बॉडी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर स्पेस टूरिज्म में प्राइवेट कंपनी की भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। चिंता ना करो, भविष्य में स्पेस के अपने भी चक्कर जरूर लगेंगे। स्पेस में कितने तरह की सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं? तो स्पेस में एस्ट्रोनॉमिकल, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक और स्पेस स्टेशन से रिलेटेड सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। अब बात करते हैं भारत के अपने जीपीएस यानी नाविक की। और हमारे नाविक से सबसे ज्यादा मिर्ची लगी थी अमेरिका को, क्योंकि 1999 के करगिल युद्ध में भारत ने अमेरिका से आतंकवादियों का जीपीएस लोकेशन डाटा मांगा था, जिसे अमेरिका ने देने से साफ मना कर दिया था। और ये उस अमेरिका की हिपोक्रेसी का सबूत था जिसने दुनिया के 195 देशों में से 84 देशों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों के नाम पर हमला किया था। आप खुद ही सोचो, छोटे छोटे गरीब देशों से अमेरिका को क्या खतरा हो सकता था। इस अमेरिका ने पता नहीं दुनिया के कितने देशों को बर्बाद किया है। अब मैं इससे ज्यादा खुल के और क्या कहूँ, आप समझदार हो। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। 1999 की अमेरिकी दगाबाजी को देखकर भारत ने सबक लिया और 2013 में भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। नाविक में टोटल 7 सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है और इसको बनाने में लगभग 189 मिलियन डॉलर का खर्चा आया है। और एक कमाल की बात बताऊं, जिस अमेरिका ने हमें डाटा देने से मना किया था, उससे टेक्नोलॉजी और फ्रीक्वेंसी यूज के मामले में हमारा नाविक सिस्टम बहुत बेहतर है, जिसे और बेहतर बनाने के लिए इसरो आने वाले 12 सालों में 5th जनरेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसीलिए इसरो है भारत का एक अनमोल नगीना। अब जो बताने जा रहा हूँ ये कर देगा आपका गर्व से सीना चौड़ा। 27 मार्च 2019, ये डेट याद रखना, क्योंकि इस दिन भारत ने अपनी मसल पावर दुनिया को दिखा दी। इसी दिन ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने लो अर्थ ऑर्बिट में अपनी घूम रही एक सैटेलाइट को मार गिराया और इसके बाद भारत बन गया दुनिया का चौथा देश जिसके पास सैटेलाइट को मार गिराने की ताकत आ गई। पता है इसको मारने में किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था? वो थी हमारी ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इस घटना के बाद सबसे ज्यादा छाती पीटी थी अमेरिका और चाइना ने, और अपने रोने धोने का कारण बताया था स्पेस का कूड़ा, जिसका सबसे ज्यादा क्रेडिट अमेरिका को ही जाता है। भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल को अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया था। अगर कलाम साहब ये सब ऊपर से देख रहे होंगे तो उन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा। आप में से बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर आपको इतनी जानकारी कहां से मिली, और मैंने बार बार कहा है कि भाई साहब किताबें पढ़ा करो, सब लिखा है उनमें। तो सैटेलाइट के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप सी रॉबर्ट वेल्टी की एक किताब पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये किताब नॉन टेक्निकल रीडर्स को ही ध्यान में रख के लिखी गई है और अमेज़न पे भी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप भी इसरो से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF के रूप में अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ नया सीखा तो सब्सक्राइब करना, और अगर मुझे थैंक यू कहना चाहते हो तो अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।